अहंकार का अंत। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम रघु था। रघु अपने धन और संपत्ति पर बहुत गर्व करता था और अक्सर गांव के गरीब लोगों का मजाक उड़ाता था। उसकी अहंकार की कोई सीमा ना थी। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु ने गांव वालों को बताया कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और इसे त्यागना चाहिए। रघु ने साधु की बातों को अनसुना कर दिया और उनका मजाक उड़ाया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, समय आने पर तुम्हें अहंकार का सही अर्थ समझ में आएगा। कुछ दिन बाद रघु ने एक बड़ा भोज आयोज किया और गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया। भोजन के दौरान रघु ने अपने धन और संपत्ति का दिखावा करना शुरू कर दिया। तभी अचानक एक भयंकर तूफान आया और रघु की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। रघु ने देखा कि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है। रघु ने साधु की बात को याद किया और समझा कि उसका अहंकार ही उसकी बर्बादी का कारण बन गया है। उसने साधु से माफी मांगी और अपने अहंकार को त्यागने का संकल्प लिया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सच्ची संपत्ति धन में नहीं बल्कि विनम्रता में होती है। रघु ने अपने जीवन को बदल दिया और गांव के लोगों की मदद करने लगा। उसने अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता और दया का मार्ग अपनाया। धीरे धीरे रघु फिर से धन संपत्ति वाला हो गया, लेकिन इस बार वह अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करता था, सबकी मदद करता था और सबकी सेवा करता था। इस प्रकार रघु ने अहंकार का अंत कर अपने जीवन में विनम्रता का मार्ग अपनाया। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसे त्याग करके ही हम सच्ची सुख और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर से इसी तरह के अगली वीडियो के साथ में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।